कोरिया जिले के जनपद पंचायत बेखुंडपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुरमा का देवखोल जहां चंद खरों की बस्ती है और यहां की प्राकृतिक घटा देखते ही बन रही है, किंतु इन चंद खरों के लिए खनिज नियामत से मनरेगा से जो कार्य कराए गए हैं वह किसी अजूबे से कम नहीं है। यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, राम राम जपना पराया माल अपना। नंबर 17, जी हाँ, कई करोड़ रुपए निर्माण कार्यों के नाम पर खर्च कर दिए गए हैं और नाम दिया गया हमर जंगल हमर आजीविका। यह कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया और प्रशासनिक अधिकारी धृतराष्ट्र की तरह सब जानते हुए भी अनजान बने रहे। वैसे तो यहाँ कई विभागों ने कार्य किया है, पर जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की बात ही निराली है। विभाग द्वारा जहाँ देवखोल के वोडखरा नाले में लगभग हर 100 मीटर पर एक स्टॉप डैम या चेक डैम बनाया गया और साहब इतने से ही इनका पेट नहीं भरा तो एक डैम भी बना रहे हैं, जिसकी लागत 48 लाख के करीब है, वह भी लगभग 100 मीटर की दूरी पर। और इस डैम निर्माण में भी भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला जा रहा है। पास ही नाले से रेत इकट्ठी की जा रही है, साथ ही आसपास से पत्थर भी और पुराने गड्ढे नुमा तालाब में कुछ फीट मिट्टी डालकर इसे नए डैम का नाम दिया जा रहा है। इस डैम से यहां रह रहे लोगों का कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, किंतु निर्माण एजेंसी और अधिकारियों का लाभ जरूर होगा। देवखोल में हमर जंगल हमर आजीविका के नाम से डीएमएफ, मनरेगा एवं दूसरे मदों से यहां पर कार्य कराया गया। ये कार्य पैसा खपाने के हिसाब से कराया गया, जो सामने दिख रहा है आप आई हुई यहां देवखोल में, तो इस सब कार्यों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे और आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देवखोल में जिस तरह से काम हुआ है डीएमएफ फंड से, इससे यही समझ में आ रहा है कि वेस्ट किया गया है डीएमएफ फंड। अगर यही काम यहाँ पर सही से कराया गया होता तो ये जगह बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती थी, पर हर तरह के सालों से ये वेस्ट हो रहा है और इसमें जिन भी अधिकारियों की लापरवाही से ये वेस्टेज हो रहा है उस पर इंक्वायरी करा के उन पर कार्रवाई जरूर कराई जाएगी। जल संसाधन से संबंधित तो जल संवर्धन के लिए नरेगा के तहत 5-7 स्टाप डैम, चेक डैम और कोल्डर टो और 1-2 तालाब, ये सब हम काम करवा रहे हैं जो कि स्वीकृति राशि। लगभग वहाँ 10 घरों की बस्ती है कुल से, हम मतलब नहीं कि इतने घरों की बस्ती है, चूँकि ये कंपोजिट था, उसमें एग्रीकल्चर वाले, पीएचई वाले, सौर ऊर्जा वाले, ये जिला प्रशासन का एक महत्वाकांक्षी योजनाएँ थी, उसके तहत जो भी स्वीकृति दी गई वो काम हमने किया है। इवन आरईएस ने भी किया है, रोड किया है, बाउंड्री वॉल किया है।